हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पंचकोसा होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी। तो ये जो सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है SOL के अंदर हमें देखने को मिला है, जबकि ये जो सब्जेक्ट है ये NEP में फर्स्ट सेमेस्टर में ही लागू हो गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो रेगुलर और NCVF के स्टूडेंट है। तो आज मैं इसका सिलेबस डिस्कस करूँगा ऑल UG कोर्सेज के लिए, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, और प्लस ये पेपर आपका किस सब्जेक्ट में आएगा, किस मीडियम में आएगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे और लाइक करना शेयर करना मत भूलना। तो बड़ा देख लेते हैं, पहली यूनिट का नाम है आपका एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें आपका पंचकोश इंट्रोडक्शन, 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, अनन्वया कोसा फिजिकल, ठीक है, जिसमें फिजिकल बॉडी, परानामया कोसा, ठीक है, तो बाकी मनोमाया कोसा, साइकोलॉजिकल वेलनेस, मतलब ये एक तरीके से साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले इसका पूरा देख लीजिए, हेल्थ मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है। फिर यूनिट 2 में आप पढ़ोगे अनन्वया कोसा, परनामया कोसा, ह्यूमन बॉडी एंड पंच कर्मदरियस, कर्मदरियास, और आपका अनन्वया कोसा, ठीक है, परनामया, मतलब संस्कृत में है, संस्कृत को इंग्लिश में लेकर रखा है, ठीक है। तो यूनिट 2 है, यूनिट 3 ये रहेगा, ठीक है, और यूनिट 4 ये रहेगा। तो यानी 4 यूनिट का पूरा ये सब्जेक्ट है। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात कहूँ तो ये सब्जेक्ट आपका दोनों लैंग्वेज में इसका पेपर होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में होगा। बट ये जो सब्जेक्ट है संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर है, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी जो बताइएगा। थैंक